Let's go. Good evening guys, welcome back to the channel. You're watching Super Rider Vlogs. और अभी हम फिलहाल उज्जैन की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कार ई रिक्शा के साथ घूम रहे हैं और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं महाकाल जी के मंदिर में डायरेक्टली नहा धो के होटल रूम से बाहर निकल के। होटल रूम इतना दिखाने लायक नहीं है तो मैंने उसके वीडियोज ही नहीं बनाए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने वहाँ जाके खाना खा लिया था, थोड़ा बहुत पेट वेट भर गया है। बाकी भाई मार्केट के अंदर अभी क्राउड तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, अगर देखा जाए तो चारों तरफ ऐसे भी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बराबर में हमारे प्रदीप भैया बैठे हुए हैं और ट्रैफिक अभी तो है, पर आज भाई बता रहा है कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो जाकर देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस सब कुछ ठीक होगा, आगे अपडेट दूंगा वहाँ जाकर क्या हो रहा है। अब हमें हमारे ई रिक्शा ने उतार दिया है और अब हम पैदल पैदल चल रहे हैं, वो भी बैरिकेड्स के पास तक। तो जो बैरिकेड्स अभी आप सामने देख रहे हो, बस हमें वहाँ तक ही जाना है, उसके बाद ई रिक्शा वैसे भी नहीं जाता है, तो वहां से फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पर मुझे मंदिर दिख रहा है यहाँ से साफ, तो पास ही है। यार एक बार सामने मौसम चेक करो भाई, क्या इतना प्यारा लग रहा है, मजा आ रहा है। देख के क्या है, क्या रिव्यू है आपके यहाँ के अभी तक, मजा आ रहा है? बहुत मजा। बस तो अभी हम फिलहाल मजे करते हुए पहुंचने वाले हैं बिल्कुल मंदिर के गेट पे, तो आपको दिखाता हूँ मंदिर के गेट से कैसे हमारा स्वागत होता है। कि हमने VIP पास लिया है, 250 रुपए का पड़ा है, अब आगे चलते हैं दर्शन करते हैं। ये लाइन है, मंदिर के पास पहुंच गए हैं फिलहाल हम, और अब हम जा रहे हैं फिलहाल अंदर की तरफ। ये हम अभी खड़े हैं बिल्कुल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल सामने, तेरा मैं और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। बाकी सारी बातें बताऊंगा वहाँ पे होटल पे जाके या फिर बाहर जाके, क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं है बहुत ज़्यादा बात करना आप लोगों से। अभी के लिए ये है कि मैं ये रहा और पीछे मंदिर है। यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अभी फिलहाल, दर्शन बहुत अच्छे हुए हमारे, बस हमारे जो भाई हैं वो कहीं तो मिसिंग हो गए, तो उन्हें और ढूंढ लेता हूँ और फिर चलता हूँ। और हमने प्रसाद भी खरीद लिया है, अभी हम फिलहाल यहीं पे ही हैं, काफ़ी देर से हम लोग यहीं पे ही हैं। अच्छा अभी क्या हुआ था ना, जब आरती फिनिश हो गई थी तो हम लगभग यहीं पे ही थे, तो बहुत देर तक बैठे रहे हाथ जोड़कर आराम से यहाँ पर बैठे रहे, सारी भीड़ खाली हो गई थी। अभी फिर से बहुत सारे लोग आ गए हैं आरती खत्म होने के बाद। पॉइंट है, जब हमने प्रसाद भी ले लिया है अपना, अब हमारे दर्शन अच्छे से हो चुके हैं, हमने कलावा भी बंधवा लिया, दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया बिल्कुल। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। अभी हम फिलहाल आ गए मंदिर के दूसरे वाली साइड पे, जिसे बोलते हैं महाकाल लोक। यूडी भाई बता रहे थे कि ये एक नया कॉरिडोर है जो बना है, बहुत ही अच्छा है। देखो फिलहाल मंदिर हमारे सामने हो रहा, वहीं पे थे अभी हम अंदर की तरफ, वहाँ से बाहर आ गए हैं और उधर जा रहे हैं जिधर कॉरिडोर है, और मैं आपको कुछ कॉरिडोर के भी अद्भुत नज़ारे दिखाता हूँ। भाई और बताओ कैसे हो आप? बहुत ही अच्छा हूँ। कैसा लग रहा है, दिल क्या कह रहा है आपका? दिल ये कह रहा है कि भक्ति में लीन अगर होना है तो यहाँ आओ, यहाँ पे महसूस करो वो पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, और आपको सच में फील होगा कि यहाँ पे सुपर नेचुरल पावर है। मेरे को तो दिल से भाई फील, नेगेटिव वाइब्स को हटा के कन्वर्ट करेगी पॉजिटिव में, और आप यहाँ ज़रूर आए, अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आए। तो इस पॉइंट पे आके मैंने एक चीज़ सोची कि मुझे ना यहाँ पर सब नहीं दिखाना चाहिए आपको, उसके पीछे की रीज़न यही है कि एटलीस्ट आपको यहाँ आके खुद वन से ना टाइम एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। जगह बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। अभी पता नहीं हम मंदिर के बाहर जाएंगे वहाँ जाके क्या करेंगे, बट मैं सोच रहा हूँ यहाँ वाले शॉट्स स्पेसिफिकली इतने रखता हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी इन्जॉय कर लेता हूँ। अच्छा अभी ना हमने एक VR का टिकट लिया है और हम जा रहे हैं VR एक्सपीरियंस करने। प्रदीप भैया जाओ, तो क्या लगता है आपको VR का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है आपका? आई थिंक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, आई होप कि मुझे अच्छा फील हो भाई, और अगर ये फील अच्छा होता है तो नेक्स्ट टाइम फैमिली के साथ आऊँगा ना, कसम से सबको दिखाऊंगा। तो भाई इसलिए अपने सारे एक्सपेरिमेंटेशन अकेले पे कर रहे हैं, क्योंकि अकेले में ना इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी कम लगती है और अच्छे से एक्सपीरियंस भी हो जाती है चीज़ें ना। तो अभी हम फिलहाल यही देखेंगे कि VR का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। हम पहुँच गए हैं VR द्वारा बस मारती दर्शन ये करने के लिए, और देखते हैं इसके दर्शन कैसे होते हैं। ये भाई भैया एक्सपीरियंस कर रहे हैं VR अभी, तो ये भाई हमें मिले हैं, ये हमें फिलहाल VR की तैयारी करा रहे हैं हमारे शो की। भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है?
राहुल पवार, मैं ऐसी वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ थोड़ी। राहुल पवार भाई मिले हैं मेरे को यहाँ, मैं बताता हूँ आपको एक्सपीरियंस कैसा, रियल बताऊँगा। तो भैया कैसा रहा है, रियल टाइम एक्सपीरियंस बताओ। भाई मजा आ गया, 9 मिनट की वीडियो देख रहे थे, पर मैं बोलूंगा ये देखनी चाहिए, ये वर्थ इट है। जो बसम आरती नहीं देख पा रहा है वो आके ना यहाँ पर जरूर देखो, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ना, आई एम टेलिंग यू, इससे बढ़िया एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता बसम आरती का आपको रियल बसम आरती देखने में मिल पाएगा। ऐसा लग रहा था बिल्कुल वहीं बैठा हूँ, कैमरा बहुत पास रखा हुआ था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वर्थ इट। टेक्स XR गुड वर्क। तो देखो अभी हम चारों के चारों फिलहाल यहाँ खड़े हैं। भाई जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर कर दो, आना चाहिए पब्लिक को या नहीं? आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। इसी बात पे बोल दो हर हर महादेव। भैया जॉब ऑफर आ जाएंगे आज, खाने में क्या है भैया? नहीं बनेगा क्या खाओगे बताओ, बताओगे? एक ओनियन डोसा, एक मसाला ओनियन डोसा में आलू नहीं आएगा? हाँ पता है, पता है भाई, मैं मतलब आलू नहीं होता है भाई मेरे में, आलू डाल भैया। एक ओनियन डोसा कर, मेरे में पोटैटो ओनियन वाला मसाला डोसा। हेलो, और भाई कौन सा चीज बात है? ओए वीडियो में मोदी खड़ा, ओए यहां क्या कर रहे हो भाई साहब? भाई यहां कुछ भी हो रहा है यार, कुछ भी हो रहा है। तो गाइस हमारा खाना वगैरह सब कंप्लीट हो गया है, हमने अभी अभी डोसा खाया, वो भी गरम गरम बिल्कुल मस्त वाला, दुकान नो डाउट बहुत ज़्यादा मस्त थी। अभी हम वापस जा रहे हैं अपने होटल पे, और होटल के बाद अपनी वीडियो कर रहे हैं हम यहीं पे फिलहाल एंड, क्योंकि हमारा और कोई भी प्लान नहीं है, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सुबह से उठे हुए हैं आप लोग को पहले ही पता है। तो यूडी भाई बाय कर दो सारी ऑडियंस को, बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, हम कल मिलेंगे। चलो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। See you guys tomorrow. Bye.